बहुत बड़े मुफ्ती रहमान के काफी पॉपुलर है मेरे ख्याल से दुनिया के बहुत बड़े लेखक हैं उनके कामों के ख्याल के अतबार से ठीक है शेर की वजह से नहीं नहीं ख्याल के अतबार से उर्दू में भी अली शरीयती की बहुत किताबें हैं जो तर्जमा हुई हैं उनकी देखी हैं मैंने बिल्कुल पाकिस्तान में भी काफ़ी जी तो उसके बाद से अब यूनिवर्सिटी में हूँ और अच्छा आपने जेएनयू में जो है वो उर्दू पढ़ाई जाती है जी पढ़ाई और उसका क्या यानी वो स्टेटस क्या है उस तरफ मैं आ रहा हूँ उसके लिए मैं माइक अपने मोहतरम खाजा साहब के हवाले करता हूँ चूंकि ये उर्दू के उस्ताद तारुफ भी हो जाएगा ये उनका फील्ड ये फारसी के ना ये फारसी के हैं वो उर्दू के बल्कि आप सामने मैं तालिब इल्म हूं उस्ताद नहीं कहूंगा लेकिन ख्वाजा साहब जो है उर्दू के जी ख्वाजा साहब आपकी तरह हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि 12 जबानें गालिबन अब तो ज्यादा जबानें पढ़ाई जाती हैं तो क्या उन 12 जबानों में उर्दू है या वो एक ज़िमनी ज़बान के तौर पर उर्दू हमारा सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है जी जी इसमें हिंदुस्तान की बड़ी जबान है फॉरेन लैंग्वेज नहीं है ना वो फॉरेन लैंग्वेज सेम उसको हमारा जो है इस जेएनयू का जो है निज़ाम बिल्कुल यूरोपियन सिस्टम पे है तो जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज उसमें इकोनॉमिक्स भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है रीजन वाइज है वो पढ़ाई जाती है जैसे वेस्ट एशिया का ईस्ट एशिया का यूरोप का अमरीका का नॉर्थ अमरीका का उसी तरह से स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज उसमें दो उस सेंटर में उस स्कूल में सारी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं एक बड़ा सेंटर हमारा है जो सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहलाता है जिसमें उर्दू हिंदी पहले से भी दो ज़बानें साथ साथ हैं अब उसमें तमिल है तेलुगु है और मराठी बंगाली इस तरह से तो हमारा जो सेंटर है सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वो बहुत बड़ा सेंटर है पूरे हिंदुस्तान में इस एतबार से वो मुनफरिद है कि हिंदी और उर्दू में तो यूँ लड़ाई लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में जेएनयू में खुल गए हैं जहाँ हिंदी और उर्दू के शोबे साथ साथ अच्छा और कई कोर्सेज मुश्तरक हैं जैसे कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तान ठीक है उसमें हम इस्लामी तारीख भी पढ़ाते हैं उसमें हम पूरा सेंट्रल एशिया के जो आप देख रही है मौसीकी है रक्स है ना सूफी रक्स इस तरह वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और साइमल्टेनियसली हम उसमें कृष्ण भक्ति राम भक्ति ये भी पढ़ाते हैं ठीक है तो वो हिस्सा जो हमारी तहजीब से मिलता जुलता है वो उर्दू वाले पढ़ाते हैं और वो हिस्सा जो उनकी तहजीब से मिलता जुलता है वो उसको वो पढ़ाते हैं लेकिन तलबा एक ही क्लासरूम में बैठते हैं और जबान एक ही इस्तेमाल करते हैं अच्छा है ना वो दो कोर्स ऐसा है जो कॉमन है एक कोर्स ऐसा है जो हिंदी का कोर्स है उर्दू के तालिबे इल्मों के लिए कि वो उर्दू के तालिबे इल्म जो आ रहे हैं उनको हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है और वो हिंदी के तलबा जो अतलबा तलबात आ रहे हैं उनको उर्दू पढ़नी ही पढ़नी है पास होना है 4 क्रेडिट का वो कोर्स सही सही तो ये इस एतबार से हमारा शोबा बहुत यूनिक है और पूरे हिंदुस्तान में उसका कॉम्पटिशन होता है तकरीबन हज़ारों तलबा उसमें शरीक होते हैं उसमें 20 चुन के आते हैं सिर्फ और जो चुन के आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है सही और उनको अपने घर से कोई खर्च नहीं देना पड़ता जेएनयू में जिसका सिलेक्शन हो गया ये समझिए कि तकरीबन उसका कैरियर बन गया हाँ 5,000 3,000 और 1,500 ये स्कॉलरशिप है सारे तलबे तो ये है सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं उसमें बुनियादी तौर पर हमारी यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है रिसर्च सिर्फ बीए लेवल पे फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है वरना एमए के बाद दाखिले होते हैं अच्छा है ना ये एमए में दाखिले होते हैं सो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है तो हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो कल्चर पर होता है इसलिए हमारे वहाँ जो पीएचडी की अगर आप जेएनयू की वेबसाइट खोलें सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में जाएं और वो देखें कि किस तरह के मौजूदात पे पीएचडी हुई है तो आप देखिएगा कि सब कल्चर से रिलेटेड है डायरेक्ट बाहर रास जो गालिब की शायरी का तरीके मुताबिक इस तरह का भी काम हुए हैं बहुत कम काम लेकिन वो तकाबली या फिर इंटर डिसप्लिनरी या फिर तहजीब सकाफत के हवाले से इस तरह के काम ज़्यादा हो रहे हैं हम लोग इसी पर सोचते हैं ये अप्रोच वहाँ ऑलमोस्ट हर सेंटर्स में और वो जो बात आप पूछ रहे थे ना वो दरअसल देखिए है क्या हिंदुस्तान से बाहर है ना हिंदुस्तान में उर्दू के हवाले से बहुत गलत फहमियाँ भी हैं और सच्चाई भी है कुछ चीज़ें कि हिंदुस्तान में उर्दू अपने दमखम से जिंदा है वरना हुकूमत ने तो अपनी तमाम कोशिशें कर दी थी जी किस तरह से उर्दू जबान खत्म कर दी लेकिन ये आवाम की जबान है ना राबते की ज़बान सदियों रही है उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं हिंदुस्तान की सरजमीन में कि इतना आसानी से उर्दू को वहाँ से उखाड़ के फेंका नहीं जाता अभी देखिए उसकी उसका अमली नमूना आप देखिए यूपी जो एक ज़माने में मरदुमखेज़ रहा इस एतबार से कि वो उर्दू की बड़ी शख्सियात वहाँ
है ना, जितने बड़े नाम लीजिए सब उसका ताल्लुक यूपी से रहा। लेकिन आज बदकिस्मती है कि यूपी में एक भी उर्दू स्कूल नहीं है यूपी के। जी हाँ, यूपी के लोग बड़े, और यूपी लखनऊ तहजीब का मरकज है, जबान का मरकज है, आपको स्कूल नहीं मिलेंगे लेकिन यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जा रही। अब वहाँ ये जो फीडर्स कौन है मालूम है आपको, अगर ये मदरसे ना होते ठीक है तो उर्दू जबान कब का तब चोट तोड़ चुकी है। सही कहा। तो फीडर्स ये हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो है उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही। तीन सिर्फ तीन बड़े सूबे, एक बिहार, एक महाराष्ट्र और एक हैदराबाद है ना, और उसके बाद बंगाल, यहाँ पे उर्दू तालीम का निज़ाम प्राइमरी स्कूल से है ना, हायर सेकेंडरी तक है और उसके बाद आला तालीम तक है। ये बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो जो रिसर्च कराती हैं उनके वहाँ देखिए तो ज़मीन खोखली, उनका पैर ज़मीन पे नहीं। दिल्ली में आप उर्दू स्कूल बहुत कम मिलेंगे है ना, यूपी में जो नज़दीक से तलबा आते हैं है ही नहीं। तो उर्दू को मदरसों में बचाया है एक बात।